दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेम कैदी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। प्रेम कैदी सन 1991 में आई एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में भरत भूषण, हरीश कुमार, करिश्मा कपूर, परेश रावल, दलीप ताहिल, रमा विज, शफी इनामदार, हरीश पटेल, जेडी चक्रवर्ती, अंजना मुमताज और आसरानी नजर आए थे। इस फिल्म को के मुरली मोहन राव ने डायरेक्ट किया था। इसे प्रोड्यूस किया था डी रामा नायडू ने और इस फिल्म की कहानी परुचुरी ब्रदर्स ने लिखी थी। इस फिल्म के डायलॉग्स राही मासूम रेजा ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 80 स्क्रीन के साथ 21 जून सन 1991 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 10 लाख था। इस फिल्म ने इंडिया में 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 32 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 2 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 5 करोड़ 90 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 2.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1991 की 13वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और इसके सभी गाने हिट रहे थे। इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने SP बाला सुब्रमण्यम और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाए थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म सन 1990 में आई तेलुगु फिल्म प्रेम कैदी की हिंदी रीमेक थी और दोनों फिल्मों में हरीश कुमार लीड रोल में नजर आए थे। नंबर 2, ये फिल्म करिश्मा कपूर और हरीश कुमार की डेब्यू फिल्म थी। हरीश कुमार ने इससे पहले कई फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, लेकिन ये फिल्म उनकी एज अ लीड एक्टर पहली फिल्म थी। नंबर 3, जब इस फिल्म में करिश्मा कपूर और हरीश कुमार को साइन किया गया था, तब करिश्मा कपूर 16 साल की थी जबकि हरीश कुमार 15 साल के थे। नंबर 4, करिश्मा कपूर से पहले उनका रोल रवीना टंडन और आयशा जुल्का को ऑफर हुआ था, लेकिन दोनों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि इस फिल्म में एक्ट्रेस को स्विमिंग सूट पहनना था, लेकिन रवीना टंडन और आयशा जुल्का दोनों ही स्विमिंग सूट नहीं पहनना चाहती थी। नंबर 5, ये फिल्म जेडी चक्रवर्ती की दूसरी हिंदी फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म शिवा थी जो सन 1990 में रिलीज हुई थी। नंबर 6, इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल सबसे पहले दिव्या भारती को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट्स ना होने के कारण उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। नंबर 7, कपूर खानदान से करिश्मा कपूर दूसरी लड़की थी जिसने फिल्मों में काम करना शुरू किया। इससे पहले शशि कपूर की बेटी संजना कपूर ने भी फिल्मों में काम किया था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।